प्लीज सर आप कन्वर्ट होइए सर, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला रियल वाला रियल, कि अगर कन्वर्ट हो गए तो तबाही मचा दे पूरी दुनिया में। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद सर, नाम अपने आप में दर्शन है। स्वामी जिसके पास विवेक है और इस विवेक की वजह से वो आनंद में है। स्वामी किसका? सेंसेस का। जिसके पास विवेक मतलब विजडम, और जो सेंसेस का स्वामी है और उसके पास विजडम है, वो हमेशा आनंद में रहेगा, ब्लिस में रहेगा। ये सीढ़ी है संसार की, सबसे नीचे पायदान पे क्या है? सेंसेस। सबसे उच्चतम पायदान पे क्या है? कॉन्शियस। तो यहां जो आदमी बैठा हुआ था सेंसेस पे, वो नरेंद्र था। कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन? सेंसेस टू कॉन्शियस। अब इस नरेंद्र को जब पारस मिला, पारस कौन है? पारस, ये पारस कौन है? ये पारस है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर इतनी गलतफहमी है लोगों में। एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो बेचारे एक मिनट में मुसलमान बना लेते, एक मिनट में। दुर्भाग्य से मैं उनसे अभी तक मिल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यार इतनी आपके अंदर ताकत है, हमें भी बनाओ। क्रिश्चियनों ने तो यह काम रेनेसांस ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद बड़े पैमाने पर किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। क्रिश्चियनों ने इस काम को बड़े पैमाने पे किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन है वो बैकफायर नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने जो कन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, कन्वर्जन तो हिंदुइज्म भी करता है, लेकिन हिंदुइज्म का रेशियो सबसे कम है। आप देखना, ये जो कन्वर्जन है ये सभी चाहते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कन्वर्जन चाहते हैं, सब। सबसे कम रेशियो इनका है, सबसे कम रेशियो, मिनिमम रेशियो। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं। जानते हैं, एक आदमी अगर कायदे से कन्वर्ट हो गया तो तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में। एक आदमी अगर सेंसेस से कॉन्शियस पे आ गया, नरेंद्र, ये पारस मिला रामकृष्ण परमहंस, और ये नरेंद्र बन गया स्वामी विवेक आनंद, और हिला के रख दिया दुनिया में, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया सर इसने। क्या?
क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या शिकागो, क्या पेरिस, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को। इसलिए ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं आज भी, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये फेक कन्वर्जन पे बिलीव नहीं करते, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये कन्वर्जन करते हैं, श्यामलाल को सैमुअल बनाते हैं ये, लेकिन ये सैमुअल को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मेरी इस बात को समझिएगा, ये बहुत बड़ा खेल है। कन्वर्जन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ रिलीजन, बुरी चीज नहीं है सर। हिंदुइज्म बिलीव्स इन ओरिजिनल कन्वर्जन, ओरिजिनल, वो नकली में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एक बना लोगे पूरी दुनिया हिला के रख देगा वो। सर ईमान में इतनी पावर है ना, मेरे बड़े सारे मुसलमान भाई जब मुझसे बात करते हैं और कहते हैं जिसके पास ईमान है वही जन्नत जाएगा, बिल्कुल सरकार, वो जन्नत में रहेगा और जन्नत में जाएगा। ये ओरिजिनल कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, सेंसेस टू कॉन्शियस, इनको फॉर्मूला अभी तक क्लियर है, इसीलिए इनकी हस्ती आज तक बरकरार है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहां हमारा, इसीलिए इनकी हस्ती बरकरार है क्योंकि इनको बेसिक प्रिंसिपल पता है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी, इन्होंने कन्वर्जन किया, बड़े पैमाने पे किया, और जो नहीं तैयार हुए इन्होंने बड़ा क्रूअल रूप भी अपनाया। आप स्पैनिश कंक्विस्टाडोर्स की स्टोरी पढ़िए, पिजारो की कहानी, इनका इनका में इन्होंने क्या किया, एस्टेक सिविलाइजेशन में इन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने कन्वर्जन के साथ एक अच्छा काम किया, कन्वर्जन किया, श्यामलाल को इन्होंने बना दिया, श्यामलाल, इन्होंने श्यामलाल को सैमुअल बना दिया। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज सैमुअल को दे दी, मॉडर्न एजुकेशन। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, श्यामलाल को मॉडर्न एजुकेशन दे दिया सैमुअल को। अब सैमुअल कोट पहनता है, टाई लगाता है, और चूंकि मॉडर्न एजुकेशन हम पा गया तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, कुछ तो मिला कन्वर्जन करके। इस्लाम, इसने कन्वर्जन किया, इसने कन्वर्जन किया। अब इसने भी ये भी रियल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो मिला। इन्होंने कन्वर्जन किया लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, यहां जब श्यामलाल सैमुअल बना तो आईएएस बना, डीएम बना, डॉक्टर बना, लेकिन यहां जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना तो ज्यादातर यहां भी भिखमंगा रहा और यहां भी भिखमंगा रहा। इस कन्वर्जन से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। कन्वर्जन तो ये जानते हैं, ओरिजिनल जानते हैं, ओरिजिनल 100 साल में एक करेंगे, एक जैसे रोल्स रॉयस है ना, साल में एक ही गाड़ी बनाएगी। लेकिन फिर ऐसा बना देगी कि हिला के रख देंगे पूरी दुनिया। सदगुरु को देखो, बड़ा पश्चिम के लोग अटैक करते हैं, लेफ्ट विंग हमारे यहां बहुत अटैक करता है, एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया, एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया। एक हमारी बहन शायद हैदराबाद में लॉ इंस्टीट्यूट में सदगुरु गए हुए थे, तो हमारी बहन वहां खड़ी हुई, बोले आपने एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया है। सदगुरु ने कहा कि बेटा एक एकड़ की तो बात छोड़ो, अगर एक इंच साबित कर दोगी ना तो कंट्री छोड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद, आज मैं यही चीज आपको बताने आया हूं। कन्वर्जन तो धर्म का केंद्र बिंदु है, कन्वर्जन इज द सेंट्रल फीचर ऑफ रिलीजन। बट कौन सा कन्वर्जन? ये वाला अंकल,
ये वाला कन्वर्जन, सेंसेस टू कॉन्शियस। आप सभी नरेंद्र हो सर, ये देखो आप सभी नरेंद्र हो, आप सभी नरेंद्र हो, आओ ना सर यहां पे, पकड़ो ना किसी पारस को, किसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आप भी पकड़ लो, भारत में कमी है, सदगुरु को पकड़ लो सर, पंडित श्री श्री रविशंकर, आचार्य अड़गणानंद, मां निर्मला देवी, विपासना, बदलो सर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है, बहुत बड़ा अवसर आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन, बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो, त्याग किसका, अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी, पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। और इस मार्ग को आगे बढ़ा कौन रहा है? स्वामी विवेकानंद, वेदांत का सिद्धांत, रैशनलिज्म। तो मैं आशा करता हूं हम सब स्वामी विवेकानंद को न सिर्फ नमन करेंगे, बल्कि आप उनके साहित्य को उठाएं, लिटरेचर उनका पढ़ें, उस लिटरेचर को, ध्यान के विषय पर उनकी अवधारणा, साधना के विषय पर उनकी अवधारणा। प्लीज सर, आप कन्वर्ट होइए सर, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला रियल वाला, रियल, कि अगर कन्वर्ट हो गए तो तबाही मचा दे पूरी दुनिया में। कि भगवान के आशीर्वाद से अगर खेल समझ में आ गया और कन्वर्ट हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए ना, एक उपदेश नहीं देना है किसी को, तुम बदलते जाओगे, महान होते जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें इमिटेट करेगी। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। जय हिंद।